बोकारो दिनभर में आज यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों दिया उपायुक्त को आवेदन बताएंगे, कोरोना टीकाकरण कराने वाले लोगों के अनुभव की भी बात करेंगे, बेरमो में क्यों हुआ दो दिवसीय कैंप का आयोजन जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिनभर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, बजाज फाइनेंस द्वारा आयोजित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो मेला की भी चर्चा करेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। शशिकला का राजनीति से संन्यास का ऐलान, किसान आंदोलन को हुए 99 दिन। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 17,407 नए मामले, 89 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9,855 नए मामले, 42 की मौत। T20 इंटरनेशनल में पुलाड ने जड़े एक ओवर में 6 छक्के, युवराज सिंह के बाद T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 598 अंक और निफ्टी 164 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 470 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में IED ब्लास्ट में 2 पुलिसकर्मी शहीद और 2 जख्मी हुए। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भाजपा विधायकों ने अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, वहीं 56 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। करीब 3 दिन पहले बालीडीह के मंझलाडीह गांव के आसपास इंडस्ट्री कंपनियों के द्वारा फेंके गए एसिड युक्त छाई में बालीडीह की रहने वाली 2 महिलाएं झुलस गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों महिलाओं को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि दूसरी महिला का एक पैर झुलस गया। गाय खोजने गए थे सर। गाय खोजने? हाँ, वहाँ डस्टबिन फेंका हुआ था। हाँ, हमको पता ही नहीं चला कि वहाँ डस्टबिन फेंका हुआ है, उसमें आग है। अच्छा। और रखे थोड़ा बस बस घुस गए अंदर। अच्छा। वो सही थी वहाँ। क्या वहाँ पर कचरा फेंका हुआ था? कचरा फेंका हुआ था। अच्छा। हम हमको गमछी दी पकड़ने के लिए। हाँ। जो आदमी से हमको वहाँ से निकाले। कौन मदद किया आपको? वहाँ दो लेडीज थी। अच्छा। गमछी हमको दी। अच्छा। पकड़ने के लिए। अच्छा। फिर हमको बाहर निकाले दोनों से। गाय को छोड़ दिया, गाय को फिर ढूंढने गए थे हम। तो गाय को उधर देखे तो उधर से आप लोग खिला खिला रहे थे, तो वही 5:30 उधर से आप लोग आ रहे थे, भी आगे आगे चले, हम पीछे पीछे, वो जिससे उसको भगा रहे थे वो गिर गई वहीं पर, पैर थी इस तरह गिर गई। वह तो चिल्लाई तो हम दौड़ के गए उसको बचाने के लिए, तो गए तो जब लगा आग तो हम सोचे आग है, इसलिए हम उसको निकल गए हम फिर, उसके बाद हम उसको फिर दोपट्टा से उसको खींच लिए, देख के डाल कर खींच के जब, और एक तो मेरे साथ उसको बुलाए और वो आई और दोनों मिल के खींच के निकाल लिए, पूरा जल चुकी थी। आपका पैर में पूरा जल? हाँ, क्योंकि हम पैर नहीं घुसाते तो वो वही पूरे जल जाती पूरा, हम पैर घुसाए इसलिए उतना। वहाँ पे दलदल है? दलदल जैसा, मतलब कि वो एक आग जैसा नहीं रहता उसी तरह भूसा जैसा है, ऊपर टाइट है नीचे पूरा नरम है, वो टाइट में खड़ी थी और वो जैसे पैर आगे की तैसे धस गई पूरा। सूरज की घटना है, जब हम लोग वहाँ छानबीन करने के लिए गए तो देखे कि यहाँ पर सारा बहुत सा ओपन खुले हम डस्ट फेंका हुआ है। अच्छा। तो जब कंपनी से हम लोग तलाशने लगे तो कोई कंपनी अपना जिम्मेवारी लेने से मतलब कोताही कर रहा है, बोल रहा है वो मेरा नहीं है, ना मेरा है ना वो मेरा है, तो बताइए ऐसे में कैसे हमको न्याय मिलेगा। इस तरह खुला अगर आज फेंक रहा है, आज मेरे परिवार के साथ इस तरह का घटना घटी है, कल और किसी के साथ भी तो हो सकता है, इसलिए इस पर मतलब मैं चाहता हूँ कि बोकारो के जो उपायुक्त है मैं उसको आवेदन देना चाहता हूँ, थाना को, मीडिया को भी और जितना भी जिला स्तर के लोग हैं सारे लोग को मैं पत्र देकर उसमें हम न्याय मांगना चाहते हैं, और उसमें ऐसा
आज की तारीख से इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए वो लोग अपना व्यवस्था और सुरक्षा दे। इसी घटना के संबंध में जियाडा इलाके में आवासीय क्षेत्र के पास प्लांट के बाहर केमिकल वेस्ट फेंकने के संबंध में यूथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे ने बुधवार को बोकारो उपायुक्त सह चेयरमैन जियाडा को संज्ञान लेने के लिए आवेदन दिया। टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और 45 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने टीका लगवाने आए लोगों से बात कर उनका अनुभव जाना। ये जो वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, कैंपेन जो चल रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंप है। और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से अति उत्साह जिसको बोलेंगे, हमारे सीनियर सिटी में बहुत ही जोश है और बहुत ही उत्साहित होकर आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। वो खुद ही आकर सब पूछ रहे हैं कि हमारे ये बीमारी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बट ठीक है, उत्साह बहुत ज़्यादा है। हाँ, 60 साल जिनका पूरा हो गया हो, 1 जनवरी 2022 में जिनका 60 पूरा हो रहा होगा, उन सबको टीका मिलेगा। जिन लोगों में अभी भी भ्रम भरा हुआ उनको क्या बोलना चाहिए सर? जिनमें भ्रम भरा हुआ है वो यहाँ 10 बजे आए और 1 बजे तक देखें कितने लोग आ रहे हैं। एकदम सीनियर सिटीजन ऐसे आ रहे हैं जैसे लगता है 18 साल के बच्चे हैं, और लाइन तोड़कर वो लोग बोलेंगे नहीं, मेरे को पहला टीका दीजिए, मेरे को पहले टीका दीजिए। और अभी तक भगवान की दया से किसी को भी कोई भी साइड, एक लेडी को जरूर हुआ था, चक्कर आया था, उसके अलावा सीनियर सिटीजन में कोई किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इतने लोग हम लोग दे रहे हैं, जहाँ हम लोग ऑलरेडी 3 लाख पूरे इंडिया में 3 लाख लोग को दिए और हम लोग यहाँ 25,000 लोग को ऑलमोस्ट दे चुके हैं, वहाँ पर एक दो उसको इस तरह का ये आएगा। सर, जिला का कितना टारगेट है? सर, जिला का टारगेट अभी हमारे पास नहीं है, सीनियर सिटीजन का, हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हेल्थ वर्कर का 95% और फ्रंट लाइन वर्कर का करीब करीब 80% पूरा हो चुका है। सर, अंतिम क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन लगा के जा रहे हैं, उनको कोई गाइडलाइन? उनको गाइडलाइन यही है कि वो नॉर्मल जो दिनचर्या है ये करें, फॉलो करें। किसी को फीवर आ सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है। दर्द हो सकता है इंजेक्शन साइड पर, उसमें भी घबराना नहीं है। केवल पैरासिटामोल का टैबलेट 500 mg एक खा लेंगे तो वो सेल्फ सफिशियंट है। फीवर उनका नहीं उतर रहा है 6 घंटा के बाद भी, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं या हमारे पास यहाँ आ सकते हैं 12 बजे अगले दिन। कुछ इमरजेंसी होने पर सदर हॉस्पिटल जा सकते हैं। बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। प्रॉब्लम अभी तक हम लोग को आधा घंटा हो गया नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा है, कोई पेन नहीं। हम लोग थर्ड बी से बहुत अच्छा लगा, आप लोग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। संजोग से टाइम भी नहीं लगा, गए तुरंत भी क्या हो तुरंत लोगों का 20 मिनट सेफ्टी के लिए, ताकि दूसरे को ना हो, हम लोग अच्छे से रहें। अच्छा रहा, जो हम लोग जिस तरह सोचे थे कि दिक्कत होगी जी, वैसा कुछ फील नहीं हुआ जी, और बड़े आराम से, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। जितना सोचे थे कि जो कहीं डर लगेगा, उतना डर नहीं है। मैं घर से जब निकली थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन यहाँ आकर के उतना डर ये नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से ये थे, इंतजाम थे। कुछ सीनियर सिटीजन अभी भी घबरा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खुद अपने घबरा रही थी, यहाँ आकर के घबराहट छूट गया। बिना डरे हुए आकर के ले और मतलब ये देश को आगे बढ़ावे और लोगों को संक्रमण से बचाएं, यही हर संदेश है, कोई डरने की बात नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से सेवा दे रहे हैं इन लोग, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत वेल बिहेव्ड है और किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। सीनियर सिटीजन को मैसेज देना है कि बिना डर भय, बिना कोई भी किसी भी तरह का बीन में निकाले आइए, और निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस स्थिति में अपने आप को और देश का निर्माण में लग जाना है। काफी अच्छा इंतजाम, हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, काफी अच्छा इंतजाम। बेरमो अनुमंडल के सभी खाद प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशू करने के लिए 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के पहले दिन बुधवार को छोटे बड़े दुकानदारों, खुदरा और होलसेल मिलाकर 42 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया, जिसमें से 28 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया और 10 लाइसेंस के लिए मिले आवेदनों में 8 को लाइसेंस निर्गत किया गया, जहाँ बेरमो SDO अनंत कुमार ने सभी राशन दुकान, होटल, रेस्टोरेंट के मालिकों को निर्देश दिया कि अपने प्रतिष्ठानों को साफ सफाई कर विशेष ध्यान रखें और मिलावट के सामान को दूर रखें। वहीं खाद सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंच ने बताया कि वैसे दुकानदार जो खाद सामग्री बेचते हैं और रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस निर्गत नहीं कराए हैं, तो जाँच के दौरान पकड़े जाने पर 6 माह की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।
पिछले साल की तरह इस साल भी बजाज फाइनेंस की ओर से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो मेला का आयोजन सेक्टर 4 मारुति शोरूम के सामने 4 मार्च से 8 मार्च तक किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर के सामानों में आपको कई ऑफर्स मिलेंगे। ये लास्ट ईयर हम लोग लगाए थे, बहुत अच्छी रिस्पांस मिली थी हम लोग को। हम लोग का मेन थीम है कि आज के दिन ऑनलाइन से लोग भ्रमित होते रहते हैं, वी ट्राई टू डू कि ऑनलाइन से आपको सस्ता देंगे। ऑनलाइन में जो वारंटी टर्म होती है वो 1 साल की होती है, हम यहाँ पैनल में भी आपको 2 साल दे रहे हैं। एसी खरीदेंगे तो 5 साल मिलता है आपकी ऑनलाइन में, हम 10 साल वारंटी दे रहे हैं। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन में कुछ दिखता है और आता कुछ है, यहाँ फील एंड टच आपको मिलेगा। प्लस बजाज की तरफ से एक स्पेशल 5 दिन के लिए ऑफर लाया गया है, जो ईएमआई है उसमें 1 ईएमआई आपको वेव हो जाएगा। अगर 8 ईएमआई है तो 1 ईएमआई आपका 7 ईएमआई देना है, 1 ईएमआई वेव डिस्काउंट हो जाएगा। प्लस मैक्सिमम हम लोग फैसिलिट कर रहे हैं, वहां पे सारे ब्रांड रहेंगे तो पब्लिक को एक साथ एक आंगन में सारी चीजें दिखेगी। इसके अंदर में हमारे यहाँ साइबरटेक आ रहे हैं, सिराम सेल्स है, इजोन है, आशियाना है, बॉम्बे वैरायटी और नमन ट्रेडिंग एंड हायर एशियन कंप्यूटर ऑप्टिक एजेंसी है। ये मेला हम लोग लगा रहे हैं 5 दिनों के लिए। 5 दिनों में हर विजिटर को लकी ऑफर है, विजिटर को भी मिलेगा, प्लस हर परचेजर के ऊपर में, हर बाइंग के ऊपर में गिफ्ट है हर दुकानदार की तरफ से। इसी बीच आप जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 1 नया मामला सामने आया, वहीं 1 व्यक्ति ठीक होकर घर लौटा, जबकि 1517 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में अब तक कुल 21,214 लोगों का टीकाकरण किया गया। 16 से 18 फरवरी तक चाईबासा में आयोजित 14वीं राज्य स्तरीय झारखंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर बोकारो जिले का नाम रोशन करने वाले 12 विजेता खिलाड़ियों को डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने बुधवार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीडीसी ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि जिला प्रशासन खेल और खिलाड़ियों के विकास और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। बोकारो स्टील प्लांट के एचआरडी ट्रेनिंग सेंटर में बुधवार को सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। यह कार्यक्रम प्रबंध विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। बोकारो के प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र नरेंद्र सिंह ने कहा कि नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा हर प्रकार का सहयोग किया जाएगा। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आने वाले 7 मार्च और 13 मार्च को विशेष शिविर आयोजन किया जाएगा। शिविर में वैसे युवा जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। 100% मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध किया जाएगा। साथ ही जो मतदाता अपनी मतदाता सूची और ईपिक संबंधित गड़बड़ी को सुधरवाना चाहते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए BSL के IMF डिपार्टमेंट में राजभाषा हिंदी कार्यशाला का आयोजन बुधवार को मुख्य महाप्रबंधक JB शेखर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में कर्मियों को अपने हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की गई। वहीं राजभाषा से संबंधित जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला के आखिर में राजभाषा से संबंधित एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हमारे कार्यक्रम शहर आपका के स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला में हम आपको जिले के अलग अलग अस्पतालों की सुविधाएं और कई चीज़ों के बारे में बताया करते हैं, ताकि आपको आपके आसपास के अस्पतालों की पूरी और सही जानकारी मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में चंद्रपुरा के स्वास्तिक हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजिकल सेंटर में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, यहां आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहां कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं इत्यादि, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम सुविधाओं से भरा स्वास्तिक हॉस्पिटल देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या इनका OPD की सुविधा है और कितने बजे से OPD होता है? हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर पहुँचने की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। ये जो है शांति मोड़ से, इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत है।
अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य के सभी जिलों में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। दिन भर कड़ी धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।